वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पेज नंबर 10 पर जो टू क्वेश्चंस गिवन है उनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग के लिए यानी कि पुताई करने के लिए एक सब्सटेंस का यूज़ होता है, इन्होंने उसको एक्स बोला है। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्म्यूला। हमको इस सब्सटेंस का नाम बताना है और इसका फॉर्मूला लिखना है। हमने इससे पहले के वीडियो में देखा था कि वाइट वॉशिंग के लिए कौन सा सब्सटेंस का यूज़ होता है, तो वो था कैल्शियम ऑक्साइड का और फॉर्मूला है इसका CaO। सेकंड गिवन है हमको राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन। फर्स्ट है एवव द वाटर। वाटर के साथ क्या रिएक्शन होती है हम देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है, इसकी वाटर से लिक्विड करा रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में है तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस बन जाएगा। ये इसकी केमिकल रिएक्शन हो गई। सेकंड क्वेश्चन गिवन है हमको व्हाई द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल टू द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। हमने एक्टिविटी 1.7 देखी थी जिसमें हमने एक प्लास्टिक की मग में नीचे टू होल किए थे, टू इलेक्ट्रोड्स लगाए थे, वाटर फिल किया था और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी थी। और ये जो हमने इलेक्ट्रोड्स लगाए थे उनमें इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब उल्टी टेस्ट ट्यूब रखी थी। उन दोनों टेस्ट ट्यूब में जो गैस भरी थी, एक में एक टेस्ट ट्यूब में दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब से डबल गैस कलेक्ट हुई थी। हमको उन गैस के नाम बताना है कौन कौन सी गैस थी और डबल क्यों थी ये भी बताना है। होता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। इसमें हाइड्रोजन के टू एटम्स और ऑक्सीजन का वन एटम है। तो जब हम वाटर को डिकम्पोज करते हैं तो टू एटम्स हाइड्रोजन के आते हैं और वन एटम ऑक्सीजन का आता है, है ना। तो आंसर देखते हैं, द गैस विच इज़ कलेक्टेड इज डबल द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एक्सपेरिमेंट इज हाइड्रोजन। तो जो डबल गैस कलेक्ट हुई थी वो कौन सी थी, हाइड्रोजन थी, और जो कम थी वो थी ऑक्सीजन। ऐसा क्यों हुआ, दिस इज बिकॉज वाटर कंटेन टू पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट एज कम्पेयर टू द ओनली वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन के टू एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन का वन एटम होता है। बाकी के नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।